हुआ ये कि एक मर्तबा कबीला कुरैश की एक औरत के पास दो अफराद आए और उन्होंने कहा कि उस औरत के पास 100 दीनार अमानत के तौर पर रखा दी। कहा जब हम दोनों इकट्ठे लेने आए ना तो आपने अमानत वापस देना है, कोई अकेला आए तो आपने नहीं देनी। जरा गौर से सुनिएगा कि हम दोनों पार्टनर हैं, ये 100 दीनार आपके पास रखवाए हैं, जब भी हम लेने आएंगे दोनों आएंगे, हम में से कोई अकेला आए तो आपने देना नहीं है। औरत ने जरा रख लिया। एक साल गुजर गया तो एक शख्स आया उन दोनों में से, कहता है कि मेरे साथी जो वो फौत हो गया है, अब वो 100 दीनार जो है आप मुझे दे दीजिए। औरत ने कहा नहीं, आपने तो ये कहा था कि हम दोनों इकट्ठे आएंगे, आप अकेले आए तो मैं कैसे आपको दे दूं। लेकिन उस शख्स ने और उसके मुतालिकीन ने उसके पड़ोसियों ने बड़ा प्रेशर दिया कि भाई वो बंदा तो मर गया है, अब इसको दे दो इसकी अमानत। उस औरत ने ये 100 दीनार उसको दे दिए। अच्छा, एक साल के बाद दूसरा शख्स आ गया जिसके बारे में कहा था कि वो मर गया है। उसने कहा मेरे 100 दीनार कहाँ हैं? तो औरत ने कहा तेरा साथी आया था, उसने कहा तेरा इंतकाल हो गया है और मैंने तो फिर इसलिए उसको दे दिए, सब लोगों ने कहा दे दो। तो उसने कहा नहीं, मैं तो ये मुकदमा लेकर जाऊंगा। ये मुकदमा हजरत उमर के दरबार में वो ले गया। हजरत उमर के पास जब ये मुकदमा आया तो आपने, ये पेचीदा मुकदमा था, आपने मौला अली शेर खुदा के पास भेज दिया कि हुजूर आप इसका ज़रा हल करें। आपने दोनों की बात सुनी और एक जुमले में मुकदमे का फैसला कर दिया। आपने पता है फैसला क्या किया? आपने कहा ठीक है, हमारा वादा ये था ना इस औरत का कि दोनों आएंगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम दूसरे साथी को ले आओ, हम तुम्हारे पैसे दे देंगे। अब वो दूसरे को कैसे लेकर आता क्योंकि दोनों मिले हुए थे, और उधर ही मुकदमा खत्म हो गया। हम अपनी शर्त पे कायम हैं कि दोनों जिस दिन आएंगे आपको 100 दीनार मिलेंगे, तुम अकेले आए हो तुम दूसरे को लेकर आ जाओ, क्योंकि पहला तो पहले ही लेकर चला गया था तो हम उसका पैसे दे देंगे। ऑन द स्पॉट मुकदमा जो है खत्म हो गया, वो बंदा वापस चला गया।